बच्चे निकल रहे हैं जैसे आप देख रहे होंगे, अभी हम लोग उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, देखें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या बदलाव है, क्या लेवल रह रहा है, सारी चीजें अभी चलते हैं और देखते हैं चल के। मैंने किए थे 90 पेपर, लेवल कैसा रहा, कैसे किस पेपर तो ओके था, बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। टाइम कंज्यूमिंग था। जीएसजी के पैटर्न किस तरीके, जीएस भी बेटर ही था, अभी तो फिलहाल मुझे याद नहीं। हाँ, उनसे डांस से रिलेटेड बहुत पूछा जा रहा है, विच फॉर्म ऑफ डांस रिलेटेड टू दिस वन दिस स्टेट। लास्ट कल भी यही आया था, इसमें भी वही आया था, इकोनॉमिक्स वगैरह, इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चंस आए थे। मैथ में किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन था? मैथ्स में तो एक तो आपका मेंस्ट्रुएशन आ गया था, SICI एंड हाँ वैसे ही, और कैलकुलेशन बेस्ड से क्वेश्चन कितने थे लगभग? अच्छे थे क्वेश्चन, लेकिन वो ज़्यादा टफ नहीं थे, नॉर्मल वाले ही थे। रीजनिंग वगैरह का? रीजनिंग वही टाइम कंज्यूमिंग, वो जो नहीं सर्कल वाले, नॉर्थ फेसिंग, सीटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा थी, और उससे एक ही क्वेश्चन पूछे जाते कि टाइम कंज्यूमिंग था। अच्छा, नॉन वर्बल क्वेश्चन थे रीजनिंग से, चित्र वाले थे? जीएस में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आपने? अब ये तो एग्जैक्टली इसलिए नहीं याद ना, क्योंकि सेक्शन वाइज तो होता नहीं है, ऑल वाइज सब होता है। पेपर आपको इजी लगा, मॉडरेट लगा, लेवल कैसा आया? पेपर सही था, बिल्कुल सही था, लेकिन हाँ टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा था। इंस्टीट्यूशन में से आ रहे हैं समथिंग 3-4 क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, और इजी थे। एक आया था इनमें हाई कोर्ट में जो रिट जारी करने की शक्ति होती ना, जो वो किस आर्टिकल में, और करंट से भी क्वेश्चन है 3-4 क्वेश्चन, 2021 के थे उसमें, मतलब एक नियुक्ति वाला था कोई, याद नहीं रहा। अच्छा अच्छा, और कुछ रीजनिंग वगैरह, और एक ये था हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है उसमें शीर्ष पर कौन सा देश है ये वाला था। अच्छा, और रीजनिंग वगैरह से क्वेश्चन, रीजनिंग में ये सर्कल वाले जो क्वेश्चन आते नहीं है कि सर्कल में बैठे, हाँ वो वाले थे, और जो कोड एंड कोड है उससे संबंधित कैलेंडर के 2 क्वेश्चन थे, इजी थे, बट थोड़ा सा टाइम टेकन था और कुछ नहीं था। और मैथ में भी इजी था, मतलब जो अर्थमेटिक है वो फॉर्मूला बेस्ड था, अगर आपको एरिया का, आयतन वगैरह का, इनका अगर फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक के 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, साइंस का 1 क्वेश्चन था, बहुत ही टफ था, वो पता ही नहीं चला कैसा था। फिजिक्स क्वेश्चन नहीं आ रहे थे? फिजिक्स नहीं, नहीं नहीं, फिजिक्स का नहीं, नहीं केमिस्ट्री थे। आपने कितने की क्वेश्चन? 96। आपने? 78। आपने? 83। आपने कितने की? 98। कुछ याद है क्वेश्चन? नहीं याद नहीं है, बट जीएस काफ़ी हार्ड था, कल के लेवल से भी हार्ड था। नागरिकता से पूछा गया था एक क्वेश्चन, और तुम्हारे मतलब काफ़ी सारे थे जीएस इजी क्वेश्चन, मतलब करंट अफेयर में से ऐसे तो कुछ खास नहीं आ रहा था। हाँ, बाकी यही सब है कि मतलब मॉडरेट ही था पेपर। 91 के आसपास है, 90-95 के आसपास। 97। क्वेश्चन जैसे जीएस के जो भी थे वो आपके 2019 और 20 के करंट थे, और बाकी चीज़ें कुछ संविधान पॉलिटी से उठाया था, जैसे स्रोत में कि नीति निर्देशक था तो कहाँ से लिया गया है, इस टाइप के सवाल थे। बाकी मैथ रीजनिंग बहुत ही आसान थी। मैथ रीजनिंग आसान थी, बहुत आसान थी। आपने कितने किया? 96। कुछ क्वेश्चन याद होता है? DPSP से आए थे और मौलिक अधिकार थे। साइंस वगैरह से आए कुछ क्वेश्चन? साइंस से एक आए थे, ज़्यादा नहीं थे। एक केमिस्ट्री से था कुछ, कि पूरा ऐसे पूछते हैं सोडियम का अणु भार कैसे, कितना है, द्रव्यमान कितना उसका, ऐसे आया था। और 2 क्वेश्चन सीधे उसके थे, लाल डलहौजी के थे, डायरेक्ट डायरेक्ट के लाल डलहौजी के 2 क्वेश्चन सीधे पूछ लिया था। और करंट अफेयर जो है तो करंट अफेयर 2019 का भी है और 2022 का भी आया था। और साइंस के 2 क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब यहाँ तमिलनाडु के क्षेत्र में क्या खोजा गया, 2 ऐसे घास है कोई सी, मतलब इसे पश्चिमी यहाँ है ना कोई, वो मतलब ऐसे है क्वेश्चन। और ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ हाँ, और जो है तो मैथ जो है पूरी कैलकुलेटिव आती है, बहुत ईजी रहती है लेकिन कैलकुलेटिव पूरी रहती है, जो इसको मतलब टाइम मैनेजमेंट करते अच्छे क्वेश्चन रहता है। किस तरीके के जीएस वगैरह पैटर्न क्वेश्चंस आ रहा? जीएस मॉडरेट लेवल की आ रही है जीएस, तो मैं तो रीजनिंग थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है, और तो बस कुछ नहीं, थोड़ा टाइम से किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल जैसे क्वेश्चन आया था एक आर्टिकल 226 में, एक रिट पूछी थी हाई कोर्ट की, रिट पूछी थी आर्टिकल 226 में है, और ऐसे 2-3 क्वेश्चन और आए थे आर्टिकल से, पॉलिटी से क्वेश्चन आए थे, मतलब एवरेज रेटिंग दे 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 दे
शिक्षा वाला आया था, बच्चे को शिक्षा से संबंधित, शिक्षा संबंधित अधिकार वाला, बच्चे से कितनी एज तक बच्चों को शिक्षा के लिए फ्री में? 14 पूछा था, कितने तक? 14 वर्ष ये पूछा था कि इसमें कितने तक के बच्चों को फ्री शिक्षा का वो है प्रावधान रखी सर? हाँ जी। और कोई क्वेश्चन वगैरह याद है? योजना का था, उसमें एक फॉर्म दे रखी थी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्किल फॉर्म। आपने कितना मेरे कम थे। कितना किया? मेरा 75। बहुत कम कर पाए क्वेश्चन आपने? ये मुझे कैलकुलेटिव कम थी मेरी। मैं कैलकुलेटिव मतलब क्वेश्चन ज़्यादा रीजनिंग लगी कैलकुलेशन में या मैथ में? मैं जब मैथ में मेंसुरेशन थी ना वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थी। वो बहुत क्यों पूछ रहा था, घन पूछ रहा था। अच्छा, 1000 सुपर वगैरह मैंने पूछी थी ज्योग्राफी। 96 बताइए। ये संविधान से 4 क्वेश्चन पूछा था लगभग, जैसे एक नीति निर्देशक तत्व के बारे में कि कोई उच्च न्यायालय उसके खिलाफ रिट जारी कर सकता है कि नहीं, कि रिट जारी करने का जो उच्च न्यायालय है किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है, और एक दिया था कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं था, जियोग्राफी से किससे? सिद्धांत कब लागू किया था और किस सन में शासन कितने चला था उसका था ये भी पूछा था। हाँ, 2 क्वेश्चन उससे था।